बिना किसी अनुमति के करसोग की सीमा पर कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो उसे वापस भेजा जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई मामला पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि आगामी 3 मई तक जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार कर्फ्यू जारी रहेगा, जो जहां है वही रहे। एसडीएम ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में जिस व्यक्ति के नाम अनुमति पास जारी किया गया है वही व्यक्ति उस वाहन में होना चाहिए। यदि कोई अतिरिक्त व्यक्ति वाहन में पाया जाता है तो कर्फ्यू नियमों की उल्लंघना मानी जाएगी। आने वाले दिनों में औचक नाकाबंदी करते हुए सभी वाहनों की जाँच की जाएगी। सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि कर्फ्यू यथास्थिति में ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले। 20 अप्रैल के बाद मनरेगा के काम आरंभ हो सकते हैं तथा विभागीय कार्य लोकल लेबर के साथ आरंभ किए जा सकते हैं। किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेगी और ना ही धार्मिक अनुष्ठान जहाँ भीड़ एकत्रित होगी आगे आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। आम जनमानस से इन सभी बातों के लिए सहयोग की अपील की जाती है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, जिससे आप सभी लोग सुरक्षित रह सके। मास्क सभी लोगों के लिए लगाना अनिवार्य है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आया हो तो उसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दे। जय हिंद, जय भारत। जिला मंडी में जैसा कि उपायुक्त महोदय के निर्देश है, 3 मई तक कर्फ्यू यथावत जारी रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप जाए हैं वहीं रहे। हमारे सभी नाकों पर हर वाहन की चेकिंग की जाएगी और जिस आदमी का के लिए पास बना हो सिर्फ वही व्यक्ति आ जा सकता है, वो भी अपने किसी विशेष काम के लिए जिसके लिए पास लिया गया है उसी के लिए हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में सब्जी में हमारे बहुत सारे वाहन हैं जो शिमला जा रहे हैं, परवाणु जा रहे हैं, बहुत सारे हमारे मटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। सभी से अनुरोध है कि आप जो कर्फ्यू पास है उसका उल्लंघन ना करें। उसके यदि 3 आदमी ले जा रहे हैं और दूसरी साइड से आप 3 से ज़्यादा आदमी वापस ला रहे हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी हमारे बॉर्डर पर आता है तो उसको बिना किसी अनुमति के आता है, डीसी मंडी की परमिशन के बिना आता है तो उसे बिल्कुल वापस भेज दिया जाएगा। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि जब तक ये स्थिति बनी है, सरकार की दूसरी गाइडलाइन नहीं आती है, तब तक अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और सभी का सहयोग करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।